प्रदीप जी शर्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनके साथ गुप्ता साहब उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पूरी पुंछ के अंदर आपने देखा होगा पूरी टाइलिंग हो रही है और खुद जाके टाइलिंग जो लगा रहे हैं उनको देख रहे हैं, उसका वाच कर रहे हैं। पूरी कोई ऐसी जगह पुंछ के अंदर नहीं है, पूरी सिटी के अंदर आप देखें बहुत खूबसूरत जो टाइलें बिछाई जा रही हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी देर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे वाली साइड जो है इस मोहल्ले में काफ़ी जो है तकरीबन 10 साल या 15 साल पहले ही वो जो बजरी वगैरह पड़ी हुई थी उसका बहुत बुरा हाल था। मगर मोहल्ले वासियों ने जाके रिक्वेस्ट की जाके अपना MLC साहब से और फौरी तौर पे MLC साहब यहाँ पहुँचे। उस यहाँ वार्ड नंबर 7 के अंदर ये काम शुरू किया गया। मैं समझता हूँ कि जब से प्रदीप जी MLC बने हैं तो पुंछ के अंदर एक डेवलपमेंट और तरक्की का दौर शुरू हुआ है। आज लोगों को एक आस और उम्मीद लगी है कि पुंछ के अंदर एक तरक्की और डेवलपमेंट का काम कैसे होता है, कैसे MLC जो अपने काम करता है वो सबको ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। इसलिए हर तरफ एक चर्चा का विषय यही है कि काम कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ और सबका विकास, उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि काम प्रदीप जी करते हैं, लेकिन गर्व से सारा हमारा पार्टी का भी ऊंचा होता है और हम लोगों का भी ऊंचा होता है जब लोग आकर चर्चा करते हैं कि आज पुंछ के अंदर इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। मैं प्रदीप जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पार्टी का भी नाम ऊंचा किया है और हमारे पुंछ का भी नाम। जो इस नीचे वाली गली थी जो कमलजीत जी के घर से होते हुए ऊपर खुडनाड़ में जाती थी, सबसे टूटी फूटी और सबसे बुरी हालत इस गली की थी। पुंछ में सबसे बस्ट कंडीशन इस गली की थी। मैं सोचता हूँ जितनी भी टूटी फूटी गलियाँ हैं पहले हमको उनको ठीक करना है, क्योंकि 70 साल से मैं देख रहा हूँ, मुझे तो थोड़ी उम्र 35-40 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं देख रहा हूँ 35 साल से इन गलियों की हालत, और इन गलियों पर मैं खुद चलता रहा, मुझे इन गलियों का पता है। ये मेरी गलियाँ हैं, मेरा घर है, मेरा शहर है। मैं ये कहूँगा कि इसके बाद जो है काफ़ी मैंने पैसा जो है पुंछ में और ज़्यादा दिया हुआ है, काफ़ी कामों के लिए DPR बनाने के लिए पैसे अपने लोन्स कर दिए हैं और काफ़ी जगहों पे काम इसके बाद भी शुरू होगा। और मैं शहर वालों को ये आश्वासन दिलवाना चाहता हूँ कि शहर की कोई भी गली जो है एक साल में जो आने वाला साल है, तो अगर भगवान ने चाहा तो वाहेगुरु अल्लाह ताला ने चाहा तो शहर की कोई भी गली आपको जो है टूटी फूटी नहीं मिलेगी, गली कच्ची नहीं मिलेगी। मैं सबको प्रायोरिटी पर करूँगा और फिर सिर्फ आपको थोड़ा सा मेरा साथ देने की जरूरत है। साथ ये और कोई साथ नहीं देना है, थोड़ा सा आपको सहारा रखना है, आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना है, अपना सहारा रखना है और कहीं को ज़्यादा